हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 16। तो बेटा टेस्ट रेगुलर देते रहिए, और इस समय वेदर की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी है, तो वेदर से अपने आप को बेटा बचा के रखिए। हीट वेव चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है, और मौसम क्या है बेटा, आप जैसे बाजीगरों का ऐसे वैसे मौसम कुछ नहीं कर सकते हैं। डटे रहिए, लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये सब छोटे मोटे में से धूप गर्मी जाड़ा बरसात कुछ नहीं आपके बिगाड़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप जानते हैं एस की बात कर रहा है, एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पहले का आंसर हो गया जीरो। फिर देखिए 52 है, 52 का आंसर जो है बेटा आपका डी है, क्योंकि पहला वाला रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन है, और बी जो है वो सब्स्टिट्यूशन है, सी इज द एडिशन रिएक्शन। आप जानते हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पे देख रहे हो बेटा ए इज एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, ये सब्स्टिट्यूशन है, एल्केलाइट की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आप जानते ही हैं। चलिए 53, मैंने ये आपको क्वेश्चन बता रखा है कई बार, 104 से लेके 118 के लिए किनारे वाले जितने भी होते हैं उसके ग्रुप बताते हैं, 114 ग्रुप 14, 115 ग्रुप 15, 116 ग्रुप 16, 14 है ग्रुप इसका कितना हो गया 14, 14वें ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P4 होना चाहिए, देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत देख करके खट से मार देंगे 14वें ग्रुप का कौन है, सॉरी P4 नहीं, P में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो। मैंने बताया था अगर P सबसेल का ग्रुप बताना हो तो उसमें 12 प्लस P में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर 14 है तो P में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। तो बेटा इसका आंसर हो गया 2। ए मिक्सचर ऑफ 2.3 फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ऑक्सैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, द गैस इज इवॉल्व। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जो है रिएक्शन लिख करके इसका सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा जैसे फॉर्मिक एसिड है HCOOH, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में ये CO और बनाता है H2। हमको दिया है फॉर्मिक एसिड 2.3, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स 2.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1/20। ये बताइए इसके एक मोल से एक बन रहा है तो 1/20 से कितना बनेगा, 1/20 मोल, ये मिल गया 1/20 मोल। फिर दूसरा रिएक्शन जब इसका लिखेंगे COOH, ये कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करता है, बनाता है CO एंड CO2 और H2O। बेटा इसका 4.5 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करिएगा, इसका भी नंबर ऑफ मोल आएगा 1/20, और यहां से भी एक से एक बन रहा है तो ये भी बन जाएगा 1/20। तो टोटल CO अगर हम देखेंगे, द इवॉल्व गैस मिक्सचर पास थ्रू द क्यूएस वैलेट वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, ठीक है ना। तो टोटल CO की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर गैसेस मिक्सचर फॉर्म में दोनों है, CO और CO2 है, व्हेन इट इज पास थ्रू QH ओनली CO2 गैस इज एब्सॉर्ब, CO2 क्या हो गई एब्सॉर्ब, तो बचा कौन CO, और CO के टोटल मोल्स देखेंगे तो 1/20 यहां से, 1/20 यहां से, तो 2/20, और मॉलिक्यूलर वेट से इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, यानी कि 1.4 के समथिंग आना चाहिए, 2/20 × 28, ठीक। तो सॉरी 2.8, 1/10 हो गया, और ये 2.8 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 55 का 4 आंसर है, ठीक है। 56 का रिएक्शन देख लीजिए बेटा, 56 में रिएक्शन क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, SO2 जब पास होता है तो बनाता है K2SO4 एंड Cr2SO4 प्राइस डॉट H2O, ग्रीन कलर का बनता है आंसर, 2 इज करेक्ट। द टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल, भैया स्पिन क्वांटम नंबर यूज होता है तो दोनों को अलग करता है, 57 का 2। उसके बाद क्लीमेंशन रिडक्शन 58 का 3, जिंक अमलगन विथ HCl 59, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल प्रेजेंट। तो भाई देखो NO2 प्लस के अंदर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, 59 का 1 हो गया। अब देखिए एटॉमिक रेडियाई का इसका होता क्या है, किसकी कितनी एटॉमिक रेडियाई होती है, तो मैं आपको बता दूं गैलियम का होता है 135, उसके बाद एल्युमिनियम 143 और 167,
ये आपका होता है इंडियम का, फिर थैलियम का जो होता है 170 वैल्यू के साथ हमने आपको दे दिया, 60 का आंसर 2 है। चलिए 61, आप जानते हैं ग्लूकोज का 180 पॉइंट समथिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा टी, आइसोबेरिक प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, फेस कन्वर्जन की प्रोसेस है, फेस कन्वर्जन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया 62। फिर 63 है, 63 का आंसर जो है वो 1 है, 64 का आंसर 4 है, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। 65 में आ जाइए, 65 में आप देख रहे हैं कि H2O2 act as reducing agent in all those in which O2 is evolved, ठीक है, तो 65 का आंसर 3 है, 66 का आंसर 4 है। टोटल वेपर प्रेशर इसमें मैं आपको बताया था, देखने का तरीका क्या समझिए, अगर मान लीजिए XA है, इसका मतलब PA वाला क्या होना चाहिए यहां पर, ज्यादा, XA है तो PA वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा, हमेशा ये तरीका याद रखिए बेटा, ये P नॉट लगा होना चाहिए था, इसको P नॉट एज्यूम करके चलिएगा, PS इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहां XA दिया हुआ है तो हमेशा P नॉट A जो भी दिया हो इसको समझो ये ज्यादा, तो ज्यादा माइनस यहां पे हमेशा क्या करिए कम, प्लस हमेशा क्या रहेगा कम वाला, इसी को ध्यान में रख के आप फॉर्मूला बनाइएगा, जो यहां दिया हो ज्यादा, ज्यादा माइनस कम, यहां पे हमेशा कम। 66 का आंसर 4 है, 67 का आंसर 2 है, 68 में देखिए सबकी सॉलिबिलिटी दी हुई है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में से आप निकालिए सॉलिबिलिटी, और जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी वही आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए Ag2CrO4 AgCl AgBr AgI respectively which one of the following salt will precipitate loss if AgNO3 adds to the solution containing equal mole of NaCl NBr, ठीक है, सबकी आप सॉलिबिलिटी निकाल लीजिए, आपने KSP से जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी वो सबसे लास्ट में जो है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इज मैक्सिमम, इट विल प्रेसिपिटेट एट लास्ट। 68 का आंसर जो है वो 2 है, 69 का 3 है, नाइदर हैज इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन नॉर कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, 69 3 है। 70 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सिंपल केमिकल रिएक्शन EB है, E is activation, the activation energy for reverse reaction, तो हम लोग डालते हैं डेल्टा H equal to E forward minus E क्या होता है, backward होता है, और ये depend करता है process के ऊपर, ठीक है ना, तो can be less or more depend on the process, exothermic, endothermic है, 70 का 1, 71 का answer जो है वो 2 है, 72 देखिए N2 है 3NH3ST, पहली बात तो रिएक्शन को उल्टा किया गया है और हाफ से गुणा किया गया है, उल्टा करने का मतलब 1/k और हाफ से गुणा करने का मतलब हाफ उसके ऊपर पावर हो गया, तो 72 का आंसर हो गया 4, 73 का आंसर जो है 1 है, 74 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला है आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WA अपॉन MA WB इंटू 1000, ठीक है। यहां से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेल्टा टीएफ निकल जाएगा, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ हो जाएगा, टी नॉट एफ 0 डिग्री सेल्सियस, इसको यहां से क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, 74 का आंसर 1 आएगा, 75 यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, कुछ कहना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट यही होती है। विच इज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 76 का 2, 77 का 3 है, 78 का 4 है, 79 बोरिक एसिड इज पॉलीमर बिकॉज ऑफ द 2 इट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, 80 आप जानते हैं कोलरॉस लॉ का स्टेट, भाई कोलरॉस लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डोल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है केटायन और एनायन दोनों के सम के बराबर होती है, 80 का आंसर 4 है। 81 ऑस्मोसिस जानते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, 81 का आंसर 4 है। 82 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी छोटी, जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस सॉरी जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी, पॉजिटिव चार्ज हो तो छोटी, तो 82 का आंसर 4 है। 83 कैनिजारो डू नॉट इन्वॉल्व सीसी बॉन्ड क्लीवेज, 83 का 3 है। 84 देखिए, 84 में सिंपल सा फॉर्मूला है, POH PKB log salt upon
बेस, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी के भी माइनस लॉग 1.8 इंटू 10^-5 लॉग 0.2/0.3। सॉल्व कर लीजिएगा, पीओएच आएगा 4.57, पीएच निकालिएगा 9.43, 84 का आंसर 1 आ जाएगा। 85 का आंसर 3 है, 86 का आंसर 3 है, 87 1 है, 88 का 2 है, एसिटिक एसिड डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 89 का आंसर 4 है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन। 90 का आंसर 4 है, 91 का आंसर जो है वो 3 है, 92 का आंसर 2 है, 93 का आंसर 3 है, 94 का आंसर 4 है। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप A5B AF6 डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल एस्टरेंट, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल एस्टरेंट, ये बात गलत है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बहुत से शो करते हैं, तो ये हो गया 4। 95 का आंसर 2 है, 96 का आंसर 2 है, 97 का आंसर 1 है, 98 द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड चार्ज ऑफ द मेटल आयन, 98 का 1 है, 99 का 4 है, Ma3B3 में फेसियल मेरिडियोनल जिसमें बनते हैं उसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं। 100 पाथ फंक्शन, आप जानते हैं जो पाथ पे डिपेंड करे, स्टेट फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, तो 100 का आंसर जो है वो 3 है। तो ये था बेटा पेपर, आपका एवरेज था, इजी था, आसान था, बहुत आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे, और इसी तरह के पेपर बेटा पूछे जाएंगे, तो रोज आप लोग टेस्ट देते रहिए और मौसम से अपने आप को बचा के रखिए बेटा, हेल्थ भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है आपके लिए, तो इन सब बातों का ध्यान दीजिए और रेगुलर टेस्ट देते रहिए, और बहुत अच्छा करेंगे बेटा आप लोग, और वो बहुत अच्छा करने का समय भी 5 मई बहुत जल्दी आने वाला है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।